tan 30 is 1 by root 3. This is h upon 20 plus x. Let this be your equation number 1 and this be your equation number 2. अब इक्वेशन 1 को हम यूज करेंगे 2 में, यूजिंग 1 इन 2. रूट 3x रिप्लेस कर दोगे यहाँ पे, तो दिस इज 1 बाय रूट 3 इक्वल टू रूट 3x अपॉन 20 प्लस एक्स. नाउ यू विल सिंप्लीफाई दिस. ये रूट 3 मल्टीप्लाई होके आपस में, दिस विल गिव यू 3x एंड ऑन दिस साइड यू विल बी हैविंग 20 प्लस एक्स. सो फ्रॉम हेयर 20 इज इक्वल टू 3x माइनस एक्स, और यू कैन से that x is equal to 10. x किसको represent कर रहा है? x is representing the width of the canal. So you are having width of the canal equal to 10 meter. Now we have to find out the height of the tower also. So height of tower h, this is equal to root 3x, that is root 3 into x is 10. So this is 10 root 3 meter. So this is your answer. दो triangles आपने identify कर ली, जो दो आपकी right triangles हैं, इन triangles को identify करके you have find out your result. So this was your question number 11. Now moving on to question number 12. If any doubt is there in question number 11, then you can ask. क्वेश्चन नंबर 11 में कहीं पे कोई स्टेप क्लियर नहीं है, तो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आस्क योर डाउट. यस ऋषित, यू कैन अनम्यूट एंड आस्क. मैम आपने यहाँ पे विड्थ कैसे निकाल लिया? हाँ जी मैम, विड्थ कैसे फाइंड किया आपने? बच्चे यहाँ पे ये हमारे पास tan 30 h अपॉन 20 प्लस एक्स था, ठीक है. एच यहाँ से इस वाले ट्राइंगल से मेरे पास कितना आ गया? रूट थ्री एक्स. तो मैंने इस वाले एच को रिप्लेस कर दिया रूट थ्री एक्स से. ये पूरा का पूरा मेरा एक्सप्रेशन एक्स की टर्म्स में रह गया. इसको सिंप्लीफाई करके हमने एक्स निकाल दिया. इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या किया? वन इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. वन इंटू 20 प्लस एक्स इज 20 प्लस एक्स. रूट थ्री इंटू रूट थ्री इज 3x एज. उसके बाद ये वाला प्लस एक्स इधर आके माइनस एक्स हो गया. थ्री एक्स माइनस एक्स इज टू एक्स. टू एक्स इक्वल टू 20, मतलब एक्स इज इक्वल टू 10. क्लियर? ओके. एनी अदर डाउट इफ एनीवन इज हैविंग, तो यू कैन आस्क. इफ एनीवन एल्स इज हैविंग एनी डाउट, इफ एनी स्टेप इज नॉट क्लियर, यू कैन आस्क. अदरवाइज वी आर मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12. सो क्वेश्चन नंबर 12. In this question, we are given from the top of a 7 meter high building, the angle of elevation. ये question ध्यान से करना, थोड़ा सा अलग तरीके से है. The angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree, and the angle of depression of the of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. अब यहाँ ध्यान दो, हमें क्या करना है? From the top of a 7 meter high building. बिल्डिंग बना लो पहले, कितनी उसकी हाइट गिवन है? 7 मीटर. यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन की फिगर बनाते हुए बच्चे बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं. सो सी दिस वेरी केयरफुली, इसके हर कंसेप्ट को ध्यान से समझो. मुझे क्या गिवन है? फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग. ये मैंने बिल्डिंग बना ली, दिस इज 7 मीटर हाई. ये टॉप है इसका और ये इसका बॉटम है. अब यहाँ आगे ध्यान से समझना, टॉप से बात हो रही है, ठीक है. टॉप से क्या कह रहे हैं वो? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टॉवर. अब जब एंगल ऑफ एलिवेशन की बात हो रही है, तो इट मींस वो एंगल ऊपर की तरफ बनेगा. एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा आप ऊपर देखते हो तभी बनता है. तो जब आप ऑलरेडी टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे खड़े हो और वो हमें कह रहा है कि फ्रॉम दिस टॉप ऑफ द बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर, तो इट मींस ये जो आप यहाँ पे टॉवर बना रहे हो, केबल टॉवर बना रहे हो, ये बड़ी बनेगी बिल्डिंग से, ठीक है. इज दिस क्लियर कि ये बड़ी क्यों बन रही है? क्योंकि टॉप ऑफ द बिल्डिंग से हमें केबल के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो गिवन है. कितना गिवन है आपको? दिस इज गिवन टू बी 60 डिग्री. सो आई होप दिस इज क्लियर. ये आपकी केबल टॉवर है
ये केबल टॉवर का टॉप है और ये केबल टॉवर का फुट है। फर्स्ट क्लियर है कैसे बना 60 डिग्री का एंगल फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टॉवर इज गिवन टू बी 60 डिग्री। अब अगला ध्यान से देखो, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट। यहाँ कंफ्यूजन नहीं करनी है, यहाँ क्या कह रहे हैं वो, हम जो एंगल्स बना रहे हैं वो कहाँ से बना रहे हैं, टॉप ऑफ द बिल्डिंग से बना रहे हैं, ठीक है। टॉप ऑफ द बिल्डिंग से टॉप ऑफ द केबल टॉवर का एंगल 60 डिग्री गिवन है, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट वी आर गिवन द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम इट्स फुट। देखो अब यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं, वो बॉटम ले लेते हैं इसका और इसका एंगल बना देते हैं टॉप से। तो ये एंगल अगर आप ऐसे बनाते हो, दिस इज नॉट द एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहाँ से भी आपको पता लग सकता है, ठीक है। जब आप नीचे से ऊपर की तरफ एंगल बना रहे हो वो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं होगा। तो उसने यहाँ पे क्या कहा है, यहाँ वो क्या कह रहे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब ऊपर आप हो, ऊपर से आप नीचे की तरफ देख रहे हो, ठीक है। और अगर आप बिल्डिंग पे खड़े हो तो बिल्डिंग से बिल्डिंग के फुट को आप नहीं देख सकते, वहां पे आपका एंगल नहीं बनेगा, वो आपकी ऐसे स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो इट मींस दिस इज द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड फुट ऑफ द केबल टॉवर। और ये एंगल हमें कितना गिवन है, दिस इज गिवन टू बी 45 डिग्री। तो यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी आपकी। नाउ यू कैन सी द ट्राइंगल्स कौन कौन सी हैं। कौन कौन सी, चलो मैं नेमिंग दे देती हूँ यहाँ पे, लेट दिस बी ए बी सी डी ई। कौन कौन सी ट्राइंगल्स लेके चलें, निकालना क्या है आपको इसको, इसमें यू आर टू फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर, ये पूरा आपको निकालना है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के, ये भी दोनों पैरेलल हैं क्योंकि स्ट्रेट बिल्डिंग्स हैं, स्ट्रेट टॉवर है। तो इट मींस ये आपका एक पैरेललोग्राम बन रहा है, पैरेललोग्राम की ओपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो इफ दिस इज 7 मीटर तो ये वाला जो आपका डिस्टेंस आएगा दिस इज आल्सो 7 मीटर। यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, इस वाले डी ई को मैं मान लेती हूँ एच मीटर, मुझे नहीं पता ये कितना है। नाउ यू कैन क्लियर कट सी आपकी यहाँ दो ट्राइंगल्स बन रही है, एक आपकी बन रही है ये ए ई डी, दूसरी आपकी मर्जी है आप किस तरीके से लेना चाहते हो, या तो आप ये ए डी सी ले लो, अदरवाइज डिप्रेशन वाले केस में ये एंगल 45 है तो ये एंगल भी 45 बनेगा आपका, तो आप ये वाली ट्राइंगल ले सकते हो ए बी सी। तो दो ट्राइंगल आपकी कौन कौन सी बन रही हैं, ए डी ई एंड ए बी सी। आप अगर चाहो तो, क्योंकि ये भी एंगल आपके 90 डिग्री के हैं, तो यू कैन टेक दिस ट्राइंगल ए डी सी एंड ए डी ई, ठीक है। दोनों वेज आपके करेक्ट हैं, दोनों तरीके से आप ले सकते हो। मैंने यहाँ क्या किया, इस 45 का ये 45 आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, तो मैं अब ये वाली ट्राइंगल लेके चल रही हूँ ए बी सी एंड ए डी ई। जहां पे भी इस तरह के आ रहे हैं कि दो एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है, तो दो ट्राइंगल्स आपकी राइट ट्राइंगल्स बनेगी, ये ध्यान रखो। अब मैं यहाँ पे ट्राइंगल्स ले रही हूँ, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ए डी ई। ए बी सी में मुझे थीटा गिवन है 45 डिग्री, परपेंडिकुलर 7 मीटर, और निकालना क्या है मुझे ये बेस, क्योंकि सेम बेस मेरा यहाँ है, तो ये बेस इज बी सी, ये मुझे निकालना है। सो tan थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। tan 45 इज 1, तो BC आ गया यहाँ से 7 मीटर। अब ये BC 7 मीटर हम सेकेंड ट्राइंगल में यूज करेंगे। BC और AD अगेन ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, तो AD इज इक्वल टू BC, ये 7 मीटर आ गया आपका। अब हम लेके चलेंगे ट्राइंगल ADE में, थीटा मुझे गिवन है 60 डिग्री, बेस BC आ गया That is 7 meter, और perpendicular मुझे निकालना है। So tan 60 is equal to 7
एच अपॉन सेवन, टेन सिक्सटी मुझे रूट थ्री पता है, दैट इज इक्वल टू एच बाय सेवन, एच आ गया सेवन रूट थ्री मीटर, यानी कि ये वाला डिस्टेंस आ गया मेरे पास सेवन रूट थ्री. मुझे हाइट ऑफ द केबल टॉवर निकालनी है, तो दैट इज एच प्लस सेवन. तो यहाँ पे आप लिख दोगे हाइट ऑफ केबल टॉवर सेवन कॉमन ले लोगे, रूट थ्री प्लस वन मीटर. अगर क्वेश्चन में रूट थ्री की वैल्यू गिवन होगी तो यू विल पुट दिस वैल्यू, अदरवाइज आप अपना आंसर यही छोड़ दोगे. हाइट ऑफ द केबल टॉवर इज सेवन टाइम्स रूट थ्री प्लस वन मीटर. सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 12. इफ एनी डाउट इज देयर यू कैन आस्क. ये क्वेश्चंस जो है मेन, इसमें आपकी फिगर बनाने वाली बात होती है. अगर आप फिगर सही बना लेते हो तो क्वेश्चंस में वही सेम मेथड आपका यूज हो रहा है. दो ट्राइंगल्स लेनी है, दोनों ट्राइंगल्स में से एक में से आपको डायरेक्ट रिजल्ट मिल जाएगा, वो रिजल्ट आप दूसरे में यूज करोगे, तो यू विल गेट योर ओवरऑल आंसर. इफ एनी डाउट इज देयर इन एनी ऑफ द स्टेप यू कैन आस्क, अदरवाइज आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 12, नॉट 11. After this, yes, Harshit. Yes. Ma'am, triangle ADE, एक बार फिर से बता दो. Which बचे? Ma'am, triangle ADE. ABD, just a moment. ABC. बेटे, triangle आपका ये जो है, हमें अगर मैं इसको अभी फिलहाल छोड़ दूं, तो मुझे ये वाला एंगल और ये वाला दोनों एंगल्स गिवन थे, ठीक है? अगर आप ये ट्राइंगल नहीं लेना चाहते तो यू कैन टेक दिस ट्राइंगल ऑल्सो. अगर आप इस ट्राइंगल को लेके चलोगे, ये आपका 90 डिग्री है, तो ये बेस बनेगा और ये आपका परपेंडिकुलर बनेगा, ठीक है? और जैसे मैंने आपको एबीसी से करवाया है, अगर आप एबीसी से नहीं करना चाहते तो आप इस ट्राइंगल को लेके चलोगे. तो इस ट्राइंगल में ये आपका जो है सेवन आप निकाल लोगे. ये ट्राइंगल आपको अल्टीमेटली जो है अगर यूज नहीं करना है, तो ये सेवन मुझे गिवन है, ये 45 डिग्री गिवन है, बेस गिवन है, परपेंडिकुलर हम निकाल सकते हैं, ये आपका 7 आ जाएगा. इस 7, इस h और इस 60 को यूज करके यू कैन फाइंड आउट दिस. मैंने ये मेथड नहीं करवाया. मैंने कैसे करवाया है आपको कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों लाइंस आपकी पैरेलल है. दिस वन इज द ट्रांसवर्सल. तो अगर ये एंगल आपको 45 गिवन है, तो ये एंगल भी 45 होगा. ये एंगल 45 आ गया, तो मैंने ये वाला ट्राइंगल यूज कर लिया. इस वाले ट्राइंगल में मुझे परपेंडिकुलर 7 गिवन है, बेस मैंने निकाल लिया, एंगल कितना है 45, तो ये मैंने यूज किया. टेन 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. यहां से बीसी आ गया 7. अब बीसी 7 है, तो ये वाला डिस्टेंस भी आपका 7 आ जाएगा. तो ए डी आपका आ गया 7 मीटर. ए डी 7 है, एंगल 60 डिग्री है, परपेंडिकुलर मुझे निकालना है. तो यहाँ पे मैंने यूज कर दिया tan 60 इज इक्वल टू p बाई b. परपेंडिकुलर इसमें थीटा के ऑपोजिट h है और बेस 7 है. tan 60 की वैल्यू पुट की, यहाँ से h आ गया 7 रूट 3 मीटर. अब 7 रूट 3 मीटर ये वाली लेंथ आई है आपकी, मुझे ये ओवरऑल टोटल लेंथ निकालनी है. तो दिस इज h प्लस 7, दैट इज 7 रूट 3 प्लस 7. तो ये आपका 7 कॉमन ले लो, तो दिस इज योर answer. If still any doubt is there, you can ask. Okay. Now moving on to question number 13. Question number 13 में हमें कहा उसने, as observed from the top of a 75 meter high lighthouse from the sea level, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. अब यहाँ ध्यान दो दोबारा, हमें angle of depression of two ships given है. उसने क्या कहा कि आप सपोज करो कि एक लाइट हाउस पे खड़े हो और लाइट हाउस से आप जो है दो शिप्स हैं जो आपकी तरफ अप्रोच कर रही हैं, उनको देख रहे हो, तो उनके एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो हमें गिवन है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री. तो लेट दिस बी द लाइट हाउस ए बी. यहाँ से एक ये पॉइंट शिप है और एक ये शिप है,
और as observed from the lighthouse, the angles found out are 30 degree and 45 degree. अब यहां अगेन ध्यान दो, जो एंगल हमारा, एक एंगल अब बाहर की तरफ है, एक एंगल अंदर की तरफ है. जो एंगल हमारा यहाँ पे होता है बाहर की तरफ, ठीक है, यहाँ बाहर की तरफ ये एंगल है, ये अंदर की तरफ है. जो एंगल हमारा होता है बाहर की तरफ, वो एंगल की वैल्यू हमेशा होती है कम, क्योंकि इसकी स्लोप कम है, इसकी स्लोप ज्यादा है, और ये वैल्यू होती है ज्यादा. तो जब भी आपको फिगर बनाना है, फिगर बनाते हुए आपने ये चीज का ध्यान रखना है, अंदर की तरफ जो आप एंगल लिखोगे, जो दो वैल्यूज आपको दी हैं, उनमें से जो बड़ी वाली वैल्यू है वो अंदर की तरफ लिखोगे, जो छोटी वाली वैल्यू है वो बाहर की तरफ लिखोगे, ठीक है. तो दिस इज 45 डिग्री, 45 बड़ा था 30 से, 45 अंदर की तरफ लिख दिया, 30 हमने बाहर की तरफ लिख दिया. अब आगे वो क्या कह रहे हैं, इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस. मैंने वैसे फिगर पहले बना दी है, बट आपको पहले स्टेटमेंट को पूरा पढ़ना है, देन ओनली यू विल मेक द फिगर, क्योंकि मुझे पता था ये फिगर ऐसे ही बननी है, मैंने बना दी. बट एग्जैक्टली आपको इस लाइन से पता लग रहा है कि दोनों शिप हमने ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस लेना है. ऐसे नहीं लेना कि एक शिप इधर है और एक शिप इधर, ठीक है, तो फिगर ऐसे नहीं बननी. वो हमें इस लाइन से क्लियर हो रहा है, इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस. एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर मतलब ये दोनों स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है. तो मैंने ये स्ट्रेट लाइन पे ले लिया, ये 45 डिग्री का एंगल, बड़ा एंगल हमेशा अंदर की तरफ, छोटा एंगल हमेशा बाहर की तरफ. एंगल ऑफ, अभी भी मेरी ये फिगर गलत है. गलत क्यों है, क्योंकि मुझे क्या गिवन था, एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन था, ठीक है. एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब मुझे यहां से एंगल शो करना. अब ये मेरी बेस लाइन है, ये एंगल 30 डिग्री का है, छोटा है, और ये एंगल बड़ा है. तो यहां से आपको पता लग जाएगा कि जब मैंने ये वाली लाइन ली और ये वाली लाइन ली, ये मैंने ट्रांसवर्सल अगर ली, तो ये एंगल मेरा 30 डिग्री का था, तो ये एंगल 30 डिग्री का बना, ठीक है. सेम वे में जब मेरा, मैंने ये वाली ली लाइन पैरेलल ये और ये, तो मेरा ये वाला एंगल जो है 45 डिग्री है, तो इट मींस ये वाला एंगल मेरा क्या बनेगा, 45 डिग्री. ऐसे नहीं समझ आता तो सिंपली इसको ऐसे याद रखो, अंदर वाला एंगल हमेशा बड़ा, बाहर वाला एंगल हमेशा छोटा. सो आई होप द फिगर इज क्लियर टू यू. ये एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर आप नहीं दिखाओगे, आपका फिगर गलत माना जाएगा, और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस में इफ द फिगर इज रॉन्ग तो योर सॉल्यूशन विल नॉट बी चेक, ये ध्यान रखना. तो फिगर में ये एंगल ऑफ डिप्रेशन जरूर दिखाने हैं. नो डाउट कि हम सॉल्व इसको इनको यूज करके ही करेंगे, बट ये कंसेप्ट आपने दिखाना है कि आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब पता है कि एंगल ऊपर से नीचे की तरफ बन रहे. आई होप दिस इज क्लियर. अब यू कैन सी द टू ट्रायंगल्स ओवर हियर. हमें निकालना क्या है यहाँ पे, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स. ए भी हम ले चुके, इसको सी ले लो और इसको डी ले लो. डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स मतलब मुझे सी डी निकालना, ठीक है. इसको मैं एक्स मान लेती हूँ, इस पूरे को मैं वाई मान लेती हूँ. मुझे निकालना क्या है, वाई माइनस एक्स. इसको पूरे को मैंने वाई इसलिए माना है क्योंकि ये पूरे ट्रायंगल में मेरा ये बेस यूज होना है, तो मैंने उसको वाई मान लिया. डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स विल बी गिवन बाय वाई माइनस एक्स. चलिए अब क्वेश्चन हम शुरू करते हैं. दो ट्रायंगल्स हमारे कौन कौन से बन रहे हैं. फर्स्ट ट्रायंगल ये बन रहा है ए बी सी, और सेकेंड ट्रायंगल ये बन रहा है ए बी डी. तो सारा जो काम लिखने वाला है वो आप लिख लेना, और हाइट जो है ये मुझे गिवन है 75 मीटर. चलिए अब टेन थर्टी ट्राइंगल्स हम ले रहे हैं, ए बी सी एंड ए बी डी. यहाँ पे टेन थर्टी इज इक्वल टू पी बाय बी, यानी कि 75 बाय वाई
और यहाँ पे ए बी डी में दिस इज नॉट ए बी डी दिस इज अच्छा ए बी सी में आप लेके चलोगे 10 45 एंड दिस इज 75 अपॉन एक्स और ए बी डी में आप लेके चलोगे 10 30 और दिस इज 75 अपॉन वाई. वैल्यूज पुट कर दो, 1 इज इक्वल टू 75 बाय एक्स, एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ पे 75, यहाँ पे वैल्यू पुट करो 1/√3 इक्वल टू 75 अपॉन वाई, वाई की वैल्यू आ गई 75√3 मीटर यूनिट है. अब डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, आई कैन सी मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर लीविंग बिफोर द टाइम इज ओवर. निष्ठा जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ एंड दिस अटेंडेंस आई विल काउंट. यू आर टू सेंड मी दिस अटेंडेंस, टेक द स्क्रीनशॉट नाउ. अगर मुझे छोड़ दो तो ओनली 18 स्टूडेंट्स आर देयर. सो डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स इज इक्वल टू दिस इज y माइनस x, दैट इज 75√3 माइनस 75. 75 आप कॉमन ले लोगे, दिस इज √3 माइनस 1 मीटर. अगेन अगर आपको √3 की वैल्यू गिवन है तो यू विल यूज दैट, अदरवाइज दिस इज योर आंसर. 75√3 माइनस 1, 75 आप कॉमन ले लोगे तो दिस इज 75√3 माइनस 1. सो इफ एनी डाउट इज देयर यू कैन आस्क. So with this today's lecture, I will end over here only because 2 minutes are left and we won't be able to complete the next question. If any doubt is there from any of the lectures, then you can any of the